डायबिटीज यानी शुगर और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। शुगर और सेक्सुअल प्रॉब्लम का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। शुगर किस तरह से आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है, आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं, सेक्स थेरेपिस्ट हूं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, मैं आपको एक अमेजिंग प्रोडक्ट्स की जो इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूं जी, ये है सॉलिसिट के कैंडल्स हैं जी, हारमोनिक इसका जो है ये ब्रांड है। इस वक्त मेरे हाथ में जो कैंडल है वो लेवेंडर है एंड आप देख सकते हैं कि जार कितना खूबसूरत बना हुआ है। और लेवेंडर की खास तौर पे ये बात है कि आपके मूड को जो है वो सूद करता है, उसको ईज करता है और इसके साथ साथ जो है आपकी नींद को इंड्यूस करता है। वो लोग जिनको नींद का इशू हो रहा है वो लेवेंडर के कैंडल्स को अगर अपने इर्द गिर्द रखेंगे, अपने जो है बेडरूम में अगर वो रात को सोने से पहले मेडिटेशन के साथ लेवेंडर का स्मेल जो है वो रखें, तो उनको नींद जो है वो इम्प्रूव कर सकती है बहुत ज्यादा उनकी। सो सॉलिसिट के साथ जो मेरा एक ज्वाइंट वेंचर है, आप चाहें तो हमारे ये कैंडल्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कैंडल्स मेरे क्लिनिक से मिल सकते हैं, उनके पेज पे मिल सकते हैं। इन कैंडल्स को जरूर यूज कीजिए, बिकॉज इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो यूज किया गया और ये खासतौर पर मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए डिजाइन करवाई है खुद से। सो यूज कीजिए ताकि आपका मूड एलिवेट हो और उसके साथ साथ अगर आपको नींद के इश्यूज हैं वो भी आपके रिजॉल्व हो सके। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। डायबिटीज, जैसे मैं बता रही हूँ, शुगर जो है मैं बता रही हूँ, बहुत एक बहुत बड़ा नंबर जो है लोगों का वो शुगर को फेस कर रहा होता है, उसकी उस मसले में जो है वो है। कई लोगों को शुगर के बारे में पता होता है कि उनको शुगर हो चुकी हुई, कई लोगों को उनको पता भी नहीं होता कि उनको शुगर हुई हुई है और वो उसी तरह से रह रहे होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो होना भी शुरू हो जाते हैं उनको। डायबिटीज के मरीजों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है, उनको बहुत सारे चैलेंजेस जो उनको फेस करना पड़ते हैं। मसलन उनको थकावट बहुत ज्यादा फील होती है, जिस समय कमजोरी बहुत ज्यादा उनको रहती है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा यानी पेशाब जो है बहुत ज्यादा आ रहा होता है, इसी तरह से हड्डियां बहुत कमजोर महसूस होती हैं उनको। खुदा न खासा उनका कोई बॉडी के ऊपर कहीं कोई जख्म हो जाए तो उसकी हीलिंग में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। इसी तरह से जो शुगर का बहुत ज्यादा टाइम आपकी ब्लड वेजल्स में यानी आपकी वेन्स में आपकी खून की रगों के अंदर रहना जो है आपकी खून की रगों को डैमेज करना शुरू कर देता है। अक्सर ये देखा गया वो लोग जो कि डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाता है, और जो लोग डायबिटीज का शिकार होते हैं उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी और जिंसी मसाइल का भी सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। आमतौर पे जो लोग शुगर के मरीज होते हैं उनको भूख समटाइम्स बहुत ज्यादा फील होना शुरू हो जाती है, समटाइम्स बहुत कम फील होती है, समटाइम्स चलते हुए उनको ड्राउजीनेस जो है वो फील होना शुरू हो जाती है यानी चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं, और कभी भूख एकदम से इस तरह से अटैक करती है कि उनको हॉलो सी फीलिंग जो है वो आना शुरू हो जाती है। डायबिटीज के मरीज के लिए बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो उनको फेस करना पड़ते हैं, मगर इसके बारे में एक बहुत अच्छी और गुड जो एक मैं कहूँगी कि न्यूज़ है वो ये है कि अगर लोग अपने डायबिटीज को कंट्रोल करें, इसके ऊपर वर्क करें, तो डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो जाती है। ना सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल होती है बल्कि इसके साथ जो दूसरे मसाइल हैं जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर है या कोई और इशू हो रहा है, वो भी मैनेज होना शुरू हो जाता है। बट ऑफ कोर्स इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत होती है, और विदाउट आपने ट्रीटमेंट को फॉलो किए हुए, अपनी एक्सरसाइज को फॉलो किए हुए, डाइट को फॉलो किए हुए, अपने स्ट्रेस को मैनेज किए हुए, आप अपनी डायबिटीज को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मेरे पास इस तरह के आते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि अपनी डायबिटीज को कबूल ही नहीं कर पाते कि उनको डायबिटीज हो गई हुई है। यानी ऑफ कोर्स ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसी बीमारी है जो कि सारी जिंदगी उनके साथ जो है वो रहेगी और सारी जिंदगी उनको इसका ट्रीटमेंट जो है वो करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सो ऐसी बीमारियां जो सारी जिंदगी इंसान के साथ रहे, उनको कबूल करने में इंसान को हमेशा मुश्किल दुश्वार होती है, लेकिन मुश्किल उनको फेस करना पड़ती है, लेकिन जितनी जल्दी आप उसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं आप उतनी ही जल्दी उसके ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। नॉर्मली वो लोग जो कि शुगर का शिकार हो जाते हैं वो आम लोगों से ज्यादा यानी 35-50% जो लोग जो होते हैं शुगर का शिकार होते हैं उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो आम लोगों से ज्यादा और 10 से 15 साल पहले होना शुरू हो जाता है। यानी वो लोग जिनको कोई मसला ना हो उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अपनी एज के 40-50s में जाके या 50s के भी बाद जाके होना। नॉर्मली डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी पहले आपको ये बात बताई कि अगर यानी आप अपनी डायबिटीज को मैनेज नहीं कर रहे हो, डायबिटीज को मैनेज करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है उसको एक्सेप्ट करना है कि अगर आप उसको कबूल कर लेंगे तो फिर आप उसके इलाज की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। यूजली लोग उसको कबूल नहीं कर पाते, उसको सीरियस नहीं लेते,
तो वो मैनेज भी नहीं हो पाती। सो डायबिटीज को जो चीज सबसे ज्यादा बढ़ा देती है वो किसी भी इंसान का स्ट्रेस लेवल हो सकता है, यानी आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो उसको बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और स्ट्रेस लेवल ही आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसी तरह से अगर आपका अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मीठे के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा आता है। आम लोग भी जो कि शुगर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, मीठे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं अपनी डाइट में, उनको भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे काम करने के लिए अपनी शुगर इनटेक जो है वो कट डाउन करना पड़ती है, कम करना पड़ती है। और वो लोग जो कि डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए तो और भी चैलेंजेस जो है होना शुरू हो जाते हैं। होता क्या है नॉर्मली कि वो लोग जो कि डायबिटीज का शिकार होते हैं, उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो यानी सख्ती और टाइटनेस जो उसमें फर्क बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और वो आता इसलिए क्योंकि शुगर जब बहुत लंबे टाइम के लिए आपकी बॉडी के अंदर रहती है तो उसमें ब्लड वेसल्स जो है वो जो खून की रगें होती हैं उनमें मसाइल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, और वो खून को उतना ज्यादा पंप नहीं करते। फिर जब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई होती है, और उसके साथ साथ आपकी जिंसी जो है वो एक्टिविटी जो है वो भी कम हो गई होती है, तो वो ब्लड फ्लो जो है और भी कम होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में। जब वो कम होना शुरू हो जाता है तो फिर ऑफ कोर्स आपके प्रॉब्लम्स जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और टाइमिंग वगैरह के इश्यूज जो है होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो है वो क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो आपकी वीकर होना शुरू हो गई होती हैं, कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को डायबिटीज के साथ टाइमिंग का इशू जो है वो भी होना शुरू हो जाता है, यानी ना सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन बल्कि टाइमिंग का इशू भी हो जाता है। और उसकी एक और वजह जो आपको बहुत कॉमनली नजर आएगी कि क्योंकि डायबिटीज जो है ये आपके आपको न्यूरोपैथी जो है वो डेवलप करती है, यानी सम टाइम्स बहुत सारी चीजें आपको सुइयां सी चुभती हुई फील होती है, और सम टाइम्स आपको कुछ जो है वो फील नहीं होता, यानी आपको जख्म लग जाता है, कट हो लग जाता है, आपकी सेंसेशन जो है वो कम हुई होती है, तो वो आपको फील नहीं होता। सेम गोज फॉर योर जेनिटेलिया, यानी जो आपका प्राइवेट पार्ट वाला एरिया होता है उसमें आपके न्यूरॉन्स जो हैं उनकी सेंसिटिविटी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन और आपके ऑर्गन का कनेक्शन है वो उतना क्विकली नहीं बन पाता, उतना क्विकली उसकी जो एक तरसील होती है या मैसेज आता है, फॉरन एक्ट होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। सो डायबिटीज जो है इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखिए, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा करें, अपनी अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए खास तौर पे जो है वो एक्सरसाइज जो है उसको प्रॉपरली करने की कोशिश करें। यूजुअली लोग इंसुलिन लेने से डर रहे होते हैं, लेट मी टेल यू कि इंसुलिन एक बेसिक जो है वो ट्रीटमेंट होता है, इसको लेने से मत डरिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको इंसुलिन एडवाइस की है तो इसकी तरफ फौरन जो है वो जाने का फैसला कीजिए और उस ट्रीटमेंट को यूज करने की कोशिश करें, और अपने सेक्स थेरेपिस्ट से अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए जरूर कॉन्टेक्ट करें ताकि वो आपको हेल्प कर सकें प्रॉपरली कि किस तरह से आप चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं, हम आपको आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने में और बेहतर करने में और उनका इलाज करने में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और हमें कॉमेंट्स में जरूर आगाह कीजिए कि आप किस टॉपिक पर मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहते हैं ताकि हम आपको सपोर्ट करें। हमारे क्लिनिक का नंबर इस पर दिया हुआ है, आप चाहें तो आप हमारे क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।